Good morning friends, today we will start with demonetization. Demonetization is defined as an economic policy or process through which the central government cancels the legal tender status of a currency unit in circulation. After demonetization, that currency unit can't be used as money. डीमोनेटाइजेशन का मतलब है नोटबंदी। यह एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किसी करेंसी यूनिट या डिनोमिनेशन का लीगल टेंडर स्टेटस कैंसिल कर देती है। डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी के बाद फिर वह यूनिट सर्कुलेशन में नहीं रहती, वह इनवैलिड हो जाती है। लीगल टेंडर रिसीप्ट और पेमेंट का एक ऐसा जरिया है जिसे लीगल सिस्टम ने एक्सेप्ट किया है और जो सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए वैलिड है। डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। भारत में डीमोनेटाइजेशन तीन बार हुआ। फर्स्ट टाइम इट वाज इन 1946 जब रुपीज 1000 एंड रुपीज 10,000 के नोट्स बंद कर दिए गए। सेकेंड टाइम इट वॉज इन 1978 जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने रुपीज 1000, रुपीज 5000 और रुपीज 10,000 के नोट्स बंद कर दिए। थर्ड टाइम इट वॉज ऑन 8 नवंबर 2016 जब श्री नरेंद्र मोदी ने रुपीज 500 और रुपीज 1000 के नोट्स का लीगल टेंडर स्टेटस कैंसिल कर दिया। यह रुपीज 500 और 1000 हमारी टोटल कैश सप्लाई का 86% था। 72 घंटों के लिए ओल्ड करेंसी से यूटिलिटी बिल्स पे करने की मंजूरी मिली, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रेलवे टिकट, एयरलाइन टिकट, मेल, पेट्रोल पंप एक्सेट्रा। इसकी जगह गवर्नमेंट ने रुपीज 2000 की न्यू करेंसी मार्केट में इशू की, लेकिन इस न्यू करेंसी को इशू करने में दिक्कतें आ रही थी तो ओल्ड करेंसी को एक्सेप्शनल केसेस में यूज करने की परमिशन 24 नवंबर तक एक्सटेंड की गई, लेकिन यह रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि कोई भी किसी भी प्रकार का एडवांस पेमेंट नहीं करेगा, जबकि यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड्स अपने अरियर्स और करेंट बिल्स के लिए कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने रुपीज 2000 की न्यू करेंसी यूनिट डिनोमिनेशन मार्केट में इंट्रोड्यूस की। अब पब्लिक को अपना कैश गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास जाकर एक्सचेंज करवाना था। इसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे, जैसे एक पर्सन एक दिन में रुपीज 4000 की कैश ही न्यू करेंसी में कन्वर्ट करवा सकता है या बैंक से विड्रॉ कर सकता है। Now we see objectives, aim, reasons of demonetization. The first is to curb corruption. Demonetization के द्वारा government corruption हटाना चाहती थी, यानी जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके black money जमा की है, ऐसी money demonetization के द्वारा किसी काम की ही नहीं रहनी चाहिए। The second is counterfeiting the use of money for illegal activities. इलीगल एक्टिविटीज जैसे टेररिज्म, एंटी सोशल एक्टिविटीज के लिए टेररिस्ट हाई डिनोमिनेशन नोट्स जैसे रुपीज 500 और 1000 का यूज करते थे, तो डीमोनेटाइजेशन के जरिए अब यह करेंसी उनके किसी काम की ही नहीं रहेगी। द थर्ड इज टू कंट्रोल सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। डीमोनेटाइजेशन के द्वारा मार्केट में जो ब्लैक मनी, अनअकाउंटेड मनी या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसे कंट्रोल करना गवर्नमेंट का एक एम था। नाउ वी सी फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। द फर्स्ट इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। जिन लोगों के पास अकाउंटेड मनी थी, यानी ऐसी इनकम जिसके सोर्स का पता है, उन लोगों ने अपना कैश बैंक में जमा कर दिया और वे आसानी से इसे न्यू करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास ब्लैक मनी, अनअकाउंटेड मनी, यानी ऐसी मनी जिसके सोर्स का कोई पता नहीं है, वह थी उन्हें 50% टैक्स पे करके यह पैसा बैंक में जमा करना पड़ेगा। और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया और गवर्नमेंट ने उन्हें पकड़ लिया, तो उन्हें 85% टैक्स लगेगा।
The second is no tax evasion. Tax evasion means tax की चोरी करना, tax pay करने से बचना. अब डीमोनेटाइजेशन के कारण लोगों को अपना पैसा कैश बैंक के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा और इसके कारण वे टैक्स पे करने से नहीं बच सकते. द थर्ड इज चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम. डीमोनेटाइजेशन के कारण लोगों को अब अपना पैसा बैंक में जमा करना पड़ेगा. कुछ लोग हो सकता है विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन बैंक ने ऐसी सेविंग स्कीम्स दी जिससे लोग पैसे अपने बैंक में ही रखें, जैसे सेविंग अकाउंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड. अब बैंक यह पैसा लोगों को कम इंटरेस्ट पर लोन के फॉर्म में दे सकती है. द फोर्थ इज टू क्रिएट अ लेस कैश और कैशलाइट इकोनॉमी. डीमोनेटाइजेशन के कारण गवर्नमेंट कैशलेस इकोनॉमी चाहती थी, यानी सभी ट्रांजेक्शन बैंक के जरिए हो. लोग घरों में कैश रखने की जगह बैंक में सेविंग अकाउंट्स में अपना पैसा रखे और वहीं से अपने पेमेंट करें. लेकिन इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी, कस्टमर के पास मोबाइल फोन, मर्चेंट के पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन चाहिए. नाउ वी सी इंपैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन. द फर्स्ट इज ऑन मनी एंड इंटरेस्ट रेट. डीमोनेटाइजेशन के कारण कैश ट्रांजेक्शन कम हो गए, फाइनेंशियल सेविंग्स लोगों की इंक्रीज हो गई, बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज हो गए. कुछ बैंक्स जैसे HDFC, ICICI ने डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट 0.25% कम कर दिए. इसके साथ ही उन्होंने लोन भी सस्ते में देना शुरू कर दिया. द सेकेंड इज प्राइवेट वेल्थ. डीमोनेटाइजेशन के कारण प्राइवेट वेल्थ, रियल इस्टेट की वैल्यू, प्राइसेस कम हो गए. शायद लोगों को उनके 500 रुपीज और 1000 की करेंसी वापस नहीं मिली, वह अनअकाउंटेड मनी होगी या बैंक के पास इतनी न्यू करेंसी अवेलेबल नहीं थी. द थर्ड इज पब्लिक सेक्टर वेल्थ. डीमोनेटाइजेशन का कोई भी असर पब्लिक सेक्टर वेल्थ यानी गवर्नमेंट संपत्ति पर नहीं हुआ. द फोर्थ इज डिजिटाइजेशन. डीमोनेटाइजेशन के कारण डिजिटल ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज होने लगे, रुपए कार्ड्स, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का ज़्यादा यूज होने लगा. रिटेल पेमेंट के लिए भी लोग बैंक के थ्रू पेमेंट करने लगे. नाउ द फिफ्थ इज रियल इस्टेट. डीमोनेटाइजेशन के कारण रियल इस्टेट के प्राइजेस कम हो गए, क्योंकि रियल इस्टेट में ज़्यादा अनअकाउंटेड मनी यूज होती थी. इसके साथ ही रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2016 ने सभी बिल्डर्स और डेवलपर्स पर यह रिस्ट्रिक्शन लगाया कि वह अपने न्यू प्रोजेक्ट्स और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन करवाएं. द सिक्स्थ इज टैक्स कलेक्शन. डीमोनेटाइजेशन के कारण गवर्नमेंट के पास टैक्स बहुत कलेक्ट होने लगे, क्योंकि अनअकाउंटेड मनी डिस्क्लोज होने लगी. I hope you have understood demonetization well. If you like this video, like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get latest notifications. Thank you.